देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बिहार के लखीसराय जिले के लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 33 से वर्तमान वार्ड पार्षद बनी हैं मंजू देवी और चुनाव के इस जंग में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं परशुराम कुमार। लगभग 5 वर्षों से सामाजिक स्तर पर जुड़कर समाज सेवी का कार्य कर रहे हैं। 2017 में चुनाव में उन्हें अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाए और जीत हासिल हुई। हमारे संवाददाता से खास बातचीत में परशुराम कुमार ने बताया कि अभी तक के कार्यकाल में अपने वार्ड नंबर 33 में भय और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम की है। सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आई उसको वार्ड के धरातल पर उतारा, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सड़क का निर्माण हो, गली नली का कार्य हो, साफ सफाई हो, पेंशन योजना हो, हर क्षेत्र में मैंने काम किया है। सभी लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया है, हमेशा जनता के लिए हाजिर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि अभी तक लगभग 5 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, वार्ड में कई जगह सड़क का निर्माण, गली नली का निर्माण, वार्ड में हमेशा साफ सफाई करवाना, गरीब लोगों के घर में शौचालय का निर्माण, 216 स्ट्रीट लाइट वार्ड में लगवाई, लोगों को पेंशन दिलवाना, कोरोना काल में लोगों को मास्क, साबुन, सैनिटाइजर दिया, ठंड के दिनों में 250 लोगों को कंबल वितरित किया। इस तरह के कई महत्वपूर्ण कार्य मेरे द्वारा किए गए। परशुराम कुमार ने अपने वार्ड की जनता से अपील की है कि अगर मैंने अच्छा काम किया है तो 2022 के नगर परिषद चुनाव में पुनः मुझे अपना समर्थन देकर अपने वार्ड नंबर 33 का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे। अब देखना ये होगा कि जनता उन्हें कितना मौका देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी, मैं हूं राजा सिंह। इन दिनों बिहार में नगर परिषद के चुनाव की चर्चा की शुरुआत हो चुका है। ऐसे में जो भी प्रत्याशी है अपना प्रचार प्रसार शुरू कर चुके हैं। आज हम पहुंच चुके हैं लखीसराय नगर परिषद के क्षेत्र संख्या 33 में। यहां से वार्ड पार्षद के प्रत्याशी के रूप में हैं मंजू देवी, जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं परशुराम कुमार जी, जिनके पास आज हम आए हुए हैं और इनसे जानते हैं कि ये 5 वर्षों में किस तरीके के विकास का काम किए हैं अपने वार्ड में। परशुराम जी, सबसे पहले आदर्श भारत टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आपको आदर्श भारत जो है ले रहे हैं लोकेशन, पूरे जनते के बीच में आए हैं, क्या समस्या है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप युवा वर्ग हैं, क्या क्या समस्या है जनता के बीच में, या आपका चैनल को माध्यम से हम लोग बोलना चाहते हैं कि जनता को एवं आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि जागरूक कर रहे हैं, घूम घूम कर समस्या के बारे में पता कर रहे हैं क्या क्या समस्या है जनता के बीच। आप बताएं, कहीं ना कहीं आप 5 वर्ष भी आप अपने शासनकाल भी आप खत्म हो चुका है, अपना आप प्रत्याशी भी 2022 में आप चुनाव होने जा रहे हैं, तो किस तरीके का विकास का काम किए हैं अपने वार्ड? सारा चीज़ जो विकास का, जैसे गली नली है, वृद्धा पेंशन है, सामाजिक समस्या जो है, लाइटिंग है, साफ सफाई है, सारा कुछ। स्ट्रीट लाइट आप अपने क्षेत्र में कितने लगवाए? लगभग 216 लगा है, सभी बोर्ड पर लग ही गया है। प्रधानमंत्री आवास कितने लोगों को आप अभी तक दे चुके हैं? क्योंकि ये सलम एरिया है और प्रधानमंत्री आवास जो अभी चल रहा है वो सेवाला वाले के लिए है। सेवाला यहाँ बहुत सब लोग है, भी लोग पैसे वाले के लोग पास है, कुछ लोग 6-7-8 है, तो उसके लिए हम लोग स्वीकृति दे दिए हैं। लोग हाथ लगाए हुए हैं, वर्क ऑर्डर मेरे पास है, आईफोन लोग वर्क ऑर्डर भी दे देंगे। और इस बार आप पुनः प्रत्याशी भी हैं, तो किस तरीके का मतलब आप विकास का काम करेंगे अपने वार्ड में? क्योंकि अब देखिए कोरोना काल में बहुत सी समस्याएं आई, क्योंकि सरकार पैसा नहीं भेज रही थी, नहीं विकास थोड़ा सा थम गया था। सबसे पहला था कि मानव को किस तरह से बचाया जाए, कोई जो बीमारी था उससे बचाव किया जाए, उस पर ध्यान दिया गया था सरकार से। और साफ सफाई, नली गली की समस्या बचा हुआ है। शिक्षाओं के ऊपर आप किस तरीके से ध्यान देना चाहते हैं? शिक्षा तो किया, जागरूक सभी वर्ग के लोग हो गए और आप हम लोग को करने की जरूरत भी नहीं है, वो लोग अपने जागरूक हैं। शहरी इलाका है, सभी बाल बच्चों को अपने समय पर पढ़ाना लिखाना सारा चीज़ कर रहे हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के क्षेत्रवासियों को, वार्डवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से ही कहते हैं कि कोई भी अपना परिवार समझ के, कोई भी समस्या जो हार गए हैं, जात पात जो ऊँचे उठ करके हमसे काम लें, हमसे मदद लें, जहाँ तक हम लोग करेंगे कोशिश और कर ही रहे हैं, और 24 घंटा हम लोग तत्पर है कि इनका समस्या को हल करें।
आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आदर्श भारत टीवी। नमस्कार।